पीएम किसान का नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ब्राउजर में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है पीएम किसान। पहले पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन अकाउंट नंबर से होता था, लेकिन अब इसका रजिस्ट्रेशन बिना अकाउंट नंबर के होने लगा है। तो कैसे करना है, अगर आपको इसके पहले वाला मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, लगभग उसको यहाँ पर 51,000 लोगों ने देखा है, उसमें पूरे डिटेल से बता दिया कैसे करना है। उसमें बस केवल अकाउंट था, इसमें अकाउंट नहीं, बस सेम प्रोसेस है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर पीएम किसान में आपको क्लिक कर देना है। जैसे पीएम किसान पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन में चले जाना है। सीएससी लॉगिन में चले जाएंगे, आपका नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आपको सीएससी का यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डालकर साइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन बायोमेट्रिक यानी आप केवाईसी करते हैं तो यहाँ से करेंगे। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन जाएंगे, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल के सर्च पर क्लिक कर देना। अगर आपका बायोमेट्रिक मंत्रा नहीं काम करता है तो इसके लिए मैंने पहले बताया था कोड प्लग का जो चार्जेबल था, उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया था जो कि पूरी तरह से फ्री है, मंत्रा वर्क भी करता है, तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उसको भी देख के अपने यहाँ पर मंत्रा सेटिंग कर सकते हो जो जिसमें मैं वर्क नहीं करता। जिनमें अगर आप पहले आप मंत्रा इंस्टॉल कर लीजिए नया, उसको अनइंस्टॉल करके नया वर्जन, तो वो काम करने लगेगा, नहीं करता जिसके बाद मैंने वीडियो बना दिया है फ्री में, आप कैसे यहाँ पर उसका सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल के सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पर एक खुलकर आ जाएगा, इससे पहले रहेगा तो आपका यहाँ पर दिखा देगा यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोलिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर गेट मोबाइल डाटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे गेट मोबाइल डाटा पर क्लिक कर देंगे आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर आपका कैप्चा फॉर्म मंत्रा जो भी आपके पास हो वो आपको कर देना है, मंत्रा मार्फो स्टार्टिक जो भी हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब फिंगर रखा था, जैसे कैप्चर फॉर ईकेवाईसी पर क्लिक करेंगे, मेरे पास मंत्रा है तो मैं मंत्रा पर क्लिक कर दे रहा हूँ, आपके पास जो हो उसको क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर लाइट जल जाएगी, आपका सक्सेस लिख कर आ जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो नया पेज खुलकर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप में यहाँ पर सब चीज़ कर लिया, आपने आपका फिंगर नहीं लग रहा, लाइट नहीं जल रही, मंत्रा की, आपको क्या करना है, दो चीज़ बता रहा हूँ आपको आसानी से कर लेना, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मंत्रा का नया आईडी सर्विस डाउनलोड कर लेना है, वो मैंने बता दिया कैसे करना है। नहीं नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना भले आपका मंत्रा हो, लेकिन यहाँ पर गूगल में आपको डालना है आपको मार्फो। मैं एक मिनट की सेटिंग है, मैं दिखा दे रहा हूँ, मार्फो आरडी सर्विस यहाँ पर पहला खोल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर दिया गया है, ये विंडोज, ये दिया गया लोकल होस्ट। उसके बाद यहाँ पर दिया गया चौथे नंबर पे विंडोज, यहाँ पर दिया गया है HTTPS यहाँ पर 127.0। इस दोनों को यहाँ पर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, 100% आपको वर्क करने लगेगा। जैसे इंस्टॉल करेंगे वैसे आपका लैपटॉप रिस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वर्क करना स्टार्ट कर देगा, यही ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट से है उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। अब यहाँ से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, आपका जिला जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट आता है आपकी तहसील, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक कौन सा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विलेज आएगा, आपको अपना विलेज जो भी हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर नाम आपका जेंडर आधार कार्ड से उठा लेगा, यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, जनरल ओबीसी वाले इस पर क्लिक करेंगे, SC ST वाले इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्मर टाइप दिया गया है, यहाँ पर आधार नंबर आपका रहेगा ही। फॉर्मर टाइप में यहाँ पर अगर स्मॉल यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद ज्यादा जमीन हो उसको कर देना, वरना स्मॉल में रहने देना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार मोबाइल नंबर लिंक हो। उसके बाद यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट से, मैंने इसका भी आपको एक लिंक डाल दे रहा हूँ नीचे, पहले मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, उसमें मैंने सारी चीज बताया कैसे आपको लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है, कैसे राशन नंबर निकालना है। जो आप तहसील वाली खतौनी निकालते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट खतौनी निकालते हैं, तो उसमें एक ऊपर लिखकर आता है उदाहरण क्रमांक चीज, देखिए यहाँ पर वही आपका लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। कैसे आपको खतौनी निकालना है प्रमाणित वाली, इसके लिए यहाँ पर मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया पीएम किसान का फुल वीडियो, उसको देखकर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राशन नंबर आपको डाल देना है, राशन नंबर आपको एक बार राशन नंबर आपको मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया आर यू एक्सेप्ट फॉर पीएम मानधन योजना, इसमें आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जमीन में अगर कई लोग हो तो यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, अगर सिंगल है तो यहाँ पर सिंगल कर देंगे। तो जैसे मान ली दो लोग खाएं, तीन लोग हैं तो ज्वाइंट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, इस पे ऐड वाले पे, इस पे जब क्लिक कर देंगे ऐड वाले पर, यहाँ पर अब आपको जमीन का पूरा डिटेल डालना है। यहाँ पर आपको दिया गया खाता संख्या, तो आपको जमीन का खाता संख्या डाल देना है। खसरा यहाँ पर नंबर दिया गया, तो आपको जमीन में जो आपको खतौनी रहता है ये आपका, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका खाता संख्या हो गया, ये आपका खसरा संख्या हो गया, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया जमीन कितनी है, ये चीज आपको डाल देना है, जो खतौनी में देख कर ये जाली जमीन किसकी कितनी है ये यहाँ पर आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एरिया कितना है, उस हिसाब से यहाँ पर एरिया यहाँ पर डाल देना है, नीचे एरिया ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये, अगर आपका जमीन
2019 के बाद लिखा गया था, इसमें कर देंगे आफ्टर वाले में, पहले कहा था यहाँ पर बिफोर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन दिया गया कि पिता की डेथ हुई थी, कि रीजन क्या था, मतलब डेथ आप हस्बैंड का या फादर का, या आपने खरीदा था, जो भी हो आपका पर्ची खरीदा था परचेज कर देंगे, जो भी हो उसको आप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो मान लीजिए 10-19 के पहले है तो लगभग ईयर और मंथ आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पर ये दिया गया पट्टा नंबर या आरएफए ये दिया गया है, अगर ये इसमें यस हो तो आपको कर देना, वरना नो कर देना है। अगर यहाँ पर आपका पहले आधार हो तो यहाँ पर फिल कर देना है, वरना यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप एनए भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है, जैसे ऐड पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर सैमरी आपकी शो होने लगेगी। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप सारा डिटेल फिलअप करेंगे यहाँ पर ये डिटेल आपका शो होने लगेगा, जैसे आधार नंबर नहीं डालेंगे तो एनए लिख कर आ जाएगा। और भी आपकी जमीन हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अब डाटा आपका शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जमीन का जो है खतौनी ये है, आपको इसको यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे पीडीएफ होना चाहिए, जेपीजी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ये 100 KB से कम होना चाहिए, आधार 50 KB से कम होना चाहिए, दोनों को आपको स्कैन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको सेव पर क्लिक कर देना है। ये सेव पर क्लिक कर देंगे जब सर्वर काम करता है तो यहाँ पर हो जाता है, वरना यहाँ पर हो जाता है प्लीज ट्राई, यहाँ पर कुछ सर्वर का इशू भी दिखा रहा है। उसके बाद जैसे सेव पर क्लिक कर देंगे आपको अपना सीएससी का अपना यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद पिन डाल देना है, पिन डाल के आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक रसीद निकलेगा, इस तरह से यहाँ पर रसीद निकलेगा, आप फार्मर को यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद देने के बाद यहाँ पर अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चले आना है दोबारा। उसके बाद यहाँ जब 1 से 2 दिन बाद आप यहाँ पर दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है, स्टेटस रजिस्टर्ड यहाँ पर फार्मर, यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है, यहाँ पर इस कैप्चा को डालकर सर्च पर क्लिक कर देना है। जिस सर्च पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आधार नंबर, सारी चीजें यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ये अगर ये मैं आपको इसे इस डेमो के लिए दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जैसे इनका ओल्ड रजिस्ट्रेशन हुआ था सीएससी के माध्यम से, इनका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, अगर आप लेट में देख रहे हैं तो वीडियो आप ही गई, कैसे रिजेक्ट वालों को आपको वेरीफाई कराना वो आप करा सकते हैं आसानी से, इसका कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। ऑफलाइन कैसे होगा इसके लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, यह आप उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दे रहा हूँ पीएम किसान रजिस्ट्रेशन का, जिसको मेरा पहला का वीडियो है, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, आप उसको देखकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रिजेक्टेड वाला भी वीडियो देख के आप अपने आपसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।